हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कार DIY। आज मैं फिर से हाजिर हूँ लेके कुछ नया। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़, और ये सीरीज़ होगी ओनरशिप रिव्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि अलग अलग ओनर्स अपनी गाड़ी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और अगर आपको भी इस सीरीज़ का पार्ट बनना है, आप भी चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर फीचर हों, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा तो आप भी हमारे चैनल पे आ सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में जो पहली वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हैरियर की। तो गाइज, ये है हैरियर डार्क एडिशन, और आज हमारे साथ हैं अपने अक्षय भाई। वेलकम अक्षय। कैसे विनीत? बढ़िया बढ़िया एकदम। तो ये हैं अपने अक्षय भाई, जिन्होंने अभी गाड़ी ली है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू सो मच। तो भाई, बात करते हैं सबसे पहले इसके वेरिएंट की। कौन सा वेरिएंट है ये? ये है XZA+ डार्क एडिशन, जो कि ऑटोमेटिक में आता है एंड विद सनरूफ। ये टॉप मोस्ट मॉडल है। हाँ जी। तो प्राइसिंग की बात करें तो कितना एक्सशोरूम प्राइस है और ऑन रोड क्या पड़ा? इसका जो एक्सशोरूम प्राइस है वो 21,34,000 के आसपास है, बट ये जो मेरे को पड़ा है वो 24,67,000 रुपए ऑन रोड पड़ा है गुड़गांव में। इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट? डिस्काउंट इसमें एक्सचेंज ऑफर भी था और काफी छोटे मोटे डिस्काउंट्स थे। उसके बाद मुझे सब कुछ हटाकर ये लगभग 24,50 के आसपास। 24,50 मतलब 15,000-16,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अगर बात करें इसकी वेटिंग पीरियड की, तो कितने दिनों में आपको गाड़ी ये मिल गई? यूजुअली इस पे 2 से 3 महीने की वेटिंग है, बट अभी चलते हुए आई थिंक बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो इसमें जो 1 महीने के आसपास की वेटिंग है। अच्छा। बट लकीली आई गॉट इट विद इन अ वीक। अरे वाह, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। मतलब गाड़ी जितनी जल्दी मिल जाए ना बुक करने के बाद, उतना ही मजा ज्यादा होता है। इवेंचुअली क्या होता है कि जब जिस दिन से आपने बुकिंग कराई होती है ना, उस दिन से आपको एक वेटिंग वो मतलब शुरू हो जाता है। मन में एक अजीब सी वो होती है, बेचैनी सी कि यार कब आएगी गाड़ी, मतलब कब मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ के इसको चलाऊंगा। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज थी कि मैंने जो पुरानी गाड़ी थी वो बेच दी थी, सो वो एक फेज होता है कि जब आपके पास कोई गाड़ी नहीं होती है तो बहुत ज्यादा लाइक ऐसा होता है कि यू फील लाइक आपके पास कोई कम्यूटेशन का पार्ट नहीं है। एंड जब आप एक गाड़ी को बहुत ज्यादा यूज्ड हो जाते हो, देन यू कैन नॉट कैरी योरसेल्फ ऐसे। राइट। तो गाड़ी एक तरीके का अपना लाइफ का पार्ट बन जाती है, तो यू कांट लिव विदाउट इट। एक गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। right. और नई गाड़ी बुक करने के बाद तो भाई अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। राइट right. तो ये है अक्षय भाई। अब इनसे इसके बारे में, जो इनकी हैरियर है डार्क एडिशन, इसके बारे में और बातें जान लेते हैं। तो अक्षय, अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपको कितने दिन हो गए गाड़ी लिए, तो क्या है इसकी डेट? क्वाइट गुड, 1.5 वीक। मैंने ये लास्ट मंडे को लिया था। ओके, ऑलमोस्ट 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन हो गए। परफेक्ट। तो इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे जस्ट पहले की अगर हम बात करें तो मैंने जो शिफ्ट किया है वो Hyundai i20 से किया है। अच्छा, मतलब एक छोटी गाड़ी से एकदम बड़ी मस्कुलर SUV पे आ गए हैं। एग्जैक्टली। बट अगर मेरा आप शुरुआत से देखेंगे, सो आई एम लाइक मेंटेनिंग टाटा सफारी फ्रॉम 1998। सो 1998 में आई यूज टू हैव सफारी पेट्रोल। उसके बाद फिर मैंने सफारी डाइकोर जो 2.9 इंजन के साथ आती थी, टाटा 407 का इंजन होता था उसमें। सो आई मेंटेन दैट वाज कॉल्ड सफारी डाइकोर। उसके बाद आई मेंटेन सफारी स्ट्रोम एज वेल। सो उसके बाद फिर मैंने एक बार स्कॉर्पियो भी ली थी। सो अगर दैट वाज अ लाइक फेज की मुझे बहुत ही ज्यादा सिटी ड्राइविंग थी, तो आई ऑप्टेड फॉर हैचबैक एकदम से। एंड इट वाज अ वंडरफुल कार, i20, Elite i20 इट वाज। सो बट कुछ चीजों की मुझे उसमें कमी लगने लगी थी।
कि ग्राउंड क्लियरेंस, आप कहीं पे भी सिटी में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, सो यू नो कि वहाँ पर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एरियाज होते हैं। हाँ, ये वाली सिचुएशन काफी लोगों को फेस करनी पड़ती है रोड कंडीशन को देखते हुए, और हमारे यहाँ गुड़गांव में काफी पानी भी खड़ा हो जाता है। हाँ, और पॉट होल्स ऐसे ऐसे हैं कि अगर आप उसमें, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं हो टायरों की, तो आपके अलॉयज भी एकदम से क्रैक आउट हो जाते हैं। राइट, इसीलिए आई गेस आपको भी लगता होगा कि काफ़ी लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी पे स्विच कर रहे हैं, क्योंकि ना वो इतनी बड़ी गाड़ी ले सकते हैं सिटी के हिसाब से, और छोटी गाड़ी ये कंपेटेबल है नहीं अपने रोड कंडीशंस के हिसाब से। तो एक बीच का जो ये सेगमेंट है बहुत हाइप चल रहा है, जिसमें अभी नेक्सॉन वाला और ये नेक्सॉन सेल्टोस इवन पंच केम इनटू द प्ले, और अभी शायद सिट्रियन C3 भी आने वाले हैं उसमें। राइट, तो अभी ये वाला बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव हो जाएगा ये वाला सेगमेंट। बट मेरा जो प्रायोरिटी था वो ये था कि आई नीड ग्राउंड क्लियरेंस लाइक मेजर इन पावर अपग्रेड, कि इट वाज समवेयर अराउंड 90 BHP एंड आई गॉट 170 BHP इनटू दिस। राइट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू गो फॉर हाईवे क्रूजिंग, ज्यादातर टाइम ये होता है। आई फेल्ट आउट कि उस टाइम पे ठीक है मेरा सिटी डिपेंडिंग ऑन, उस टाइम पे सिटी पर्पज ज्यादा था, बट अब मेरा हाईवे पर्पज ज्यादा है। ओके, सो उसको देखते हुए आई फेल्ट लाइक कि ग्राउंड क्लियरेंस, पावर, सनरूफ, ऑटोमेटिक, दीज वर द 4 प्रायोरिटीज। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आई डू नॉट रिलाई मेजर ऑन, बिकॉज इट इज ऑलवेज अबाउट द मैन बिहाइंड द मशीन। राइट, दैट इज व्हाट आई डू थिंक। सो आई गेस कहीं ना कहीं मुझे हिंट मिल गया कि XUV 700 क्यों नहीं आई इसकी जगह। एग्जैक्टली, सो देयर वर 2 मेजर रीजंस दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि 7-8 दिन ही हुए हैं तो गाड़ी तो आपने इतनी नहीं चलाई होगी, राइट, बट बाइंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये रहता है यार टाटा में वो मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, और जो बाइंग एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं होता, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा टाटा के साथ? इफ वी टॉक अबाउट कि टाटा 7-8 साल पहले कैसा था और आज कैसा है, वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है, क्योंकि अच्छा। मैं 1998 से पूरा इसको देखते हुए आ रहा हूँ, पूरा सेल्स, आफ्टर सेल्स, सर्विस, उनको बेचना भी बहुत बड़ी एक हेडेक होती थी टाटा को। इवन दिस ब्लैक कलर आई यूज्ड टू हैव सफारी डायकोर में ब्लैक कलर था मेरे पास, सो उसको मेंटेन करना बहुत भारी काम हो जाता था, एंड इवन उसकी एक एक सर्विस पे मुझे 45 से 50 हज़ार रुपए पे करना पड़ता था। रियली? ओके, सो दैट वाज टोटली ऑन, बिकॉज इट वाज ऑन रफ एंड टफ मोड और ऐसा चलता था, बट सफारी समहाउ लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, वंस समवन ड्रॉ सफारी वो कोई और गाड़ी इतनी आसानी से नहीं चला सकते हैं। तो हैरियर क्यों, सफारी क्यों नहीं? इसमें हैरियर की, हैरियर में भी 7-सीटर में उन्होंने सफारी की बैजिंग करी हुई है। एग्जैक्टली, बट इफ वी टॉक अबाउट सफारी, द ओल्ड सफारी इट वाज ऑन लेडर फ्रेम चेसी एंड दिस इज मोनोकोक चेसी, सो वी कैन नॉट कंपेयर बोथ द थिंग्स, दैट यूज्ड टू गिव समहाउ लाइक रोलर कोस्टर राइड, एंड इसकी राइड है वो बहुत ज्यादा प्लांटेड है, एंड मेरा जो मेन कंसर्न था नॉट टू गो फॉर द 7-सीटर, बिकॉज आई ऑलरेडी ओन अ फॉर्च्यूनर साइडवेज, सो इफ आई हैव टू गो फॉर द 7-सीटर तो मैं उसको लेके जाता हूँ। परफेक्ट, एंड इफ आई हैव टू लाइक, मोस्ट ऑफ द केसेस आप 2 या 3 लोग ही जा रहे होते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन अक्षय से ये है कि क्या बजट सेट किया था जब आपने ये गाड़ी ली, कि कितना मैं स्पेंड कर सकता हूँ? आई वॉज थिंकिंग समवेयर अराउंड कि 20 से 25 लाख, एट मैक्स आई कैन स्ट्रेच आउट टू 30 लैक्स, उससे ऊपर मैं नहीं जाना चाह रहा था। तो अच्छा खासा बजट आप लेके निकले थे मार्केट exactly. में, तो ऑप्शंस तो काफी सारे मिल जाते हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस थे जो आपने कंसीडर किए इसको खरीदने? सो प्रायर टू दिस आई वाज थिंकिंग फॉर टोयोटा हाइलक्स व्हिच इज अबाउट टू कम, जो कि लॉन्च होने वाला है, आई थिंक लॉन्च तो ऑलरेडी हो चुका है बट प्राइस अभी तक अनवील नहीं हुआ है। सो बुकिंग चालू हुई थी और बुकिंग भी अभी दोबारा होल्ड हो गई है, बिकॉज उसका एकदम से इतना वही XUV 700 एज वी नो की इसकी इतनी ज्यादा बुकिंग्स है, सो टोयोटा इज समथिंग लाइक लोग उसको चलाते ही नहीं है, इवन फॉर्च्यूनर को सीधा जाते हैं और बुक करके और खरीद के आ जाते हैं। Perfect, right. So, I was thinking about Hilux, क्योंकि Fortuner already चलाई हुई है, Hilux उसी Hilux के platform पे है वो, so it was tried and tested, but it might go out of the budget, reason being क्योंकि वो स्टार्ट ही शायद 35 लाख रुपए से होगी। हाँ, जहाँ तक प्राइस रिवील हुए नहीं थे अभी। राइट, एंड उसके अलावा सेकेंड ऑप्शन आई वॉज टेकिंग फॉर Isuzu V-Cross एंड XUV 700, apart from this Seltos and Creta as well I was thinking about, and it was just like a bracket of 10 lakh na, so I was taking so much car, even the like Tiguan, I think Volkswagen Tiguan and Skoda Kushaq as well, right? So to kaun kaun si gaadi thi jo final 3 mein pahunchi, matlab last 3 cars you were considering before buying this? It was Hilux, it was Harrier and XUV 700. Okay, तो Hilux तो I guess इसलिए cancel हो गई क्योंकि booking भी नहीं है और price reveal नहीं हुए थे, right? Exactly.
एंड XUV 700 की क्या रीज़न थे कि वो क्यों नहीं ली? XUV 700 इफ़ यू थिंक अबाउट उसमें जो अभी मैंने पता किया था महिंद्रा डीलरशिप पे, सो वन थिंग आई डू नॉट वांट टू कंप्लेन टू महिंद्रा, बट अगर मैं आज फ़ोन करता हूँ तो 3 दिन के बाद रिवर्ट आता है महिंद्रा से, बिकॉज दे आर लाइक फ्लडेड विद द बुकिंग्स जो थार और XUV का है. So they are taking customers for granted. Yes, as of now they are. Because of two cars, you know, Thar and XUV. Yes, either they were not ready for कि एकदम से इतना जो boom उनके पास आने वाला इस चीज़ के लिए, या तो वो ready नहीं थे, या फिर they are taking it for granted. So Mahindra, if you are watching this, you have to focus on this. You have to not take customers for granted. तो ये जो boom आया, ये वापस भी जा सकता है. और I don't understand this thing कि एक साल की waiting यार. कौन वेट करेगा, मतलब एक साल. यस, आपने जैसा कि बोला यू वर हैविंग i20 एंड यू सेल्ड इट आउट, और उसके बाद एक साल तक तो कोई वेट नहीं करने वाला है. और इतने टाइम के लिए क्यों वेट करेगा उस टाइम तक? एक साल के पीरियड में ना जाने कितनी गाड़ियां इंडिया में लॉन्च हो जाएंगी. एब्सोल्युटली, इवन मेरे को ऐसा लगता है कि एक साल के अंदर अगर मैं बुकिंग करता हूँ उसके, एक साल में हो सकता है कि महिंद्रा ये एक फेसलिफ्ट अनाउंस कर दे. सो एट दैट टाइम फिर से मैं जाके अगर उसका करूंगा कि इतने टाइम फिर से मैं वेट करूंगा, सो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. तो ये थी आपकी कंसिडरेशन. तो अक्षय, काफी अच्छी चॉइस है हैरियर की इस टाइम मार्केट में. बहुत प्यारी लुक है, परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें भी काफी अच्छी गाड़ी है. अब बात करें इसके कि आपने इसके ऊपर कितना खर्चा किया, मतलब गाड़ी लेने के बाद हाउ मच यू हैव स्पेंट ऑन इट, आइदर इट बी एसेसरीज, उसकी कार प्रोटेक्शन की बात करें, या जो भी आपने इसके ऊपर खर्चा किया वो एक बार व्यूअर्स को बता दो. राइट, सो दिस इज टोटली ऑप्शनल, लाइक आप इसके ऊपर कितना खर्चा करना चाहते हो. एंड इफ यू गो, यस, इफ यू गो आफ्टर मार्केट इट गोज एंडलेस. सो आई डिड ऑल द नेसेसरी थिंग्स, नॉट एक्स्ट्रावेगेंजा, कुछ भी नहीं किया मैंने इसमें. सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट कोटिंग प्रायरली, बट कोटिंग में क्या होता है कि स्क्रैच रेजिस्टेंस नहीं होता, इट कैन लाइक गिव ग्लोसी इफेक्ट. बट ब्लैक कलर है, डार्क एडिशन है, तो ब्लैक नीड केयर, प्यारी तो लगती है. इट नीड अ हेल लॉट ऑफ केयर. देन मैं ग्रेफिन का सोच रहा था, सो मार्केट में शायद इसका 20,000 to 45,000 के बीच में कॉस्ट आता है, डिपेंडिंग आप कहाँ से क्या करवा रहे हैं. ग्रेफाइन सेरेमिक, या सो इट इज अबाउट लाइक जो आपकी लेयर होती है पेंट की, उसको हार्डन कर देता है, सो कि कपड़े वाली जो स्क्रेचेज है वो उस पर नहीं आती है. फाइन फाइन. बट थिंक ऑफ कि आप कहीं पर जा रहे हैं, आपने कहीं आइसोलेटेड जगह में या किसी मार्केट में खड़ी की है, किसी ने डोर ओपन किया आपकी गाड़ी के, लगा वो स्क्रेच आउट करेगा, या फिर बहुत जनरल है यार. एग्जैक्टली, इवन लाइक किड्स यूज टू बी लाइक दिस, वो खेलते हुए अपनी एक चाबी ली और ये ऐसे करते हुए वो उसको ले जाते हैं, या फिर कुछ भी. एग्जैक्टली, एंड नाउअडेज ड्यू टू कॉस्ट कटिंग इवन टाटा मारुति एवरीवन यूज टू लाइक इसमें जो थिकनेस है पेंट का वो बहुत लाइट करते हैं, वो लाइक 80 to 100 के बीच में होता है, जो कि पहले की बात अगर हम करें तो वो 120-130 माइक्रोन्स तक होता था. ओके, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, थैंक्स फॉर दिस नॉलेज, शेयरिंग दिस फॉर विद अस. सो कंसिडरिंग दीज टू थिंग्स, मैंने इसको पूरा रैप कराया है ग्लोसी इफेक्ट में PPF. So this is just for the paint protection and I got 5 years of warranty. So I think 5 साल तक इसको मुझे कोई भी maintain करना या कोई भी देखने की जरूरत नहीं है. Headache एक बार मेरा खत्म हो गया. तो इसमें कितना खर्चा हुआ PPF coating में? So it was somewhere around 1 lakh. I won't disclose the exact amount because depending कि आपकी वीडियो को देख के लोग ऐसा कहेंगे कि उधर में इतना का हो रहा है, इतने का हो रहा है. So depending on the quality, you can go for Garvare, 3M, Tint and Orange. There are so many brands. So idea is approx 1 lakh you have to spend. It depends location to location, brand to brand, and the detailers who is doing the work on the exactly. See, I can also rep, but जहाँ पे कौन सा ये complicated जगह आती है जहाँ पे आपको एकदम mold करना होता है इसको, वहाँ पर that need experience. Right. So experience cost you really very much. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई गेस टॉप मॉडल है तो और तो कुछ खर्चा करने की जरूरत पड़ी नहीं होगी. नो, सम बेसिक एक्सेसरीज लाइक मड फ्लैप, देन ट्रंक मैट, नॉर्मल मैट, सन वाइजर, सन शेड्स, ऑल यू नीड. सो आई गेस ऑलमोस्ट 1.05 lakh यू हैव स्पेंट. नो, इट वाज समवेयर अराउंड 1.4, बिकॉज़ या आई ऑप्टेड ऑल फॉर द जेन्युइन एक्सेसरीज व्हिच वर अवेलेबल इन द टाटा फ्रॉम द शोरूम इटसेल्फ. या आई डोंट वांट टू गो फॉर आफ्टर मार्केट बिकॉज़ उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई निकनेक्स, फिर आवाज वगैरह आने लग जाती है. And the most the good thing is with showroom accessories is they give you the warranty as exactly well.
एंड नो वायर हार्नेसिंग, सो लाइक कोई भी वायर कटिंग किसी भी चीज़ का होता नहीं है. ऑल्दो मैंने वैसी कोई एक्सेसरीज इंस्टॉल नहीं करवाई है, बट हाँ फिर भी अगर आप करवाते हैं कोई, इट इज़ रिकमेंडेड, इट इज़ रिकमेंडेड टू गो फॉर द ऑथराइज्ड वन. तो आपने 24,50,000 के बाद 1,40,000 और इस पे खर्चा किया है एक्सेसरीज के ऊपर, राइट? तो वंडरफुल. तो ये थी बात एक्सेसरीज की और इसके ऊपर कितना खर्चा किया अक्षय भाई ने. तो अक्षय भाई अब अंदर चलते हैं और अंदर गाड़ी को देख लेते हैं और अंदर बैठ के बातें करते हैं. yes, थोड़ी प्लीज. तो चलिए अंदर चलते हैं. तो इसके अंदर आपको ऑल ब्लैक थीम मिल जाता है डार्क एडिशन के अंदर. आप देख सकते हो यहाँ पर भी ब्लैक ही है पूरा, और अगर आप रूफ़ की बात भी करेंगे तो वो भी पूरा ब्लैक में मिलता है. तो कुछ इस तरीके का है. अब बात कर लेते हैं अक्षय भाई से कि अभी तक कितनी चला दी है गाड़ी आपने. ओके, सो ये मैंने जो गाड़ी चलाई है ये 800 किलोमीटर, बट ये रनिंग हुआ है सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में, क्योंकि 4 दिनों तक ये गाड़ी PPF के लिए गई हुई थी. आई बॉट इट ऑन द प्रीवियस मंडे, बट उसके बाद मैं इसको चला नहीं पाया था. आई वॉज वेटिंग कि मैं इस पे कहीं एक लॉन्ग ट्रिप पे जाऊँ, बट नॉट अप टू नाउ कि मैं सिर्फ सिटी यूज कर पा रहा हूँ इसको. तो 800 किलोमीटर जो ये चली है अप्रोक्स वो सिटी में चली है, और क्या माइलेज दे रही है? सो इफ वी सी इन द कंसोल, ये अभी शो कर रहा है 13 का, जिसमें कि हम जैसे PPF के लिए गई हुई थी. सो व्हाट पीपल यूज टू डू कि स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी खड़ी हुई में, और काफी टाइम तक ये स्टार्ट पोजीशन पे ऐसे ही खड़ी रही थी. सो इट इज शोइंग 12.9. या एंड वॉट आई फील लाइक कि ये आराम से 16-17 के आसपास माइलेज बहुत इजीली देगी. वंडरफुल, इतनी बड़ी गाड़ी अगर 16 दे रही है, 15-16 भी दे रही है, तो कुछ बेकार नहीं. एग्जैक्टली, इफ वी गेट 170 BHP ऑफ पावर और उसके साथ में इतना अच्छा माइलेज आता है, सो यू वॉन्ट हेजिटेट टू लाइक टेक इट आउट ऑन लॉन्ग ट्रिप, कि आपको ऐसा लगे कि मेरा खर्चा ज़्यादा होगा लंबे जाने में या कुछ भी होगा. सो इट इज़ द थिंग दैट विल मेक यू एन्जॉय, आपकी ट्रिप का कॉस्ट बहुत कम चला जाएगा एज कम्पेयर टू अदर कार्स जो कि इतनी पावर के साथ आती हैं, जैसे फॉर्चूनर. एंड वो आपको शायद ऑटोमेटिक में 10 या 11 की एवरेज देती है. सो इफ यू कंसिडर दैट ऑल द थिंग्स, सो इट इज़ प्रीटी मच गुड. राइट राइट. और इसमें जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है, 7 इंच का मिलता है और JBL के स्पीकर्स के साथ. अब अगला क्वेश्चन जो मेरा अक्षय भाई से है वो ये है कि भाई अभी ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए हैं हाथ में आए गाड़ी, मतलब PPF में थी उससे पहले. तो ये 3 दिन में भी आदमी समझ जाता है कि भाई मेरी गाड़ी में ये अच्छी चीज़ें हैं ये बेकार है. तो मैं आपसे कुछ कॉन्स पूछूंगा, कुछ प्रोस पूछूंगा कि क्या अच्छी बातें हैं क्या बेकार बातें हैं, तो वो एक बार थोड़ा बता दो व्यूअर्स को. ओके, सो पहले हम कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं. सो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत बेसिक है. बेसिक एज इन यू विल गेट सनरूफ, यू विल गेट ऑटोमेटिक, यू विल गेट वेल कनेक्टेड वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, एंड आपको बहुत सारे USB कनेक्शन पोर्ट्स भी मिल जाते हैं. जो हमें नहीं मिलता है वो है वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट्स और एयर प्यूरीफायर. ये सब चीज़ें अगर होती, इवन आई डोंट नीड ADAS, बिकॉज आपको दिखेगा काफ़ी इंडिया की जगह पे है ना, ये वाइट लाइंस नहीं होती हैं रोड के बीच में. आप देख सकते हो जो वाइट लाइंस हैं उसके हिसाब से ADAS काम करता है, वो इनको ऑब्जर्व करके गाड़ी को लेन में रखता है. एग्जैक्टली, एंड मोस्ट ऑफ द आपको जो साइंस होते हैं वो पेड़ के पीछे छुपे होते हैं. सो यू कैन कंसिडर इट लाइक इट मे बी मैंडेटरी फॉर यू, बट इट वॉज नॉट इन माई केस. सो मैं इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहा था. एंड इवन अगर आप माउंटेन्स में जाते हैं सो वहाँ पर तो आपको वाइट लाइन्स मतलब ही नहीं है आपको मिले. सो इवन आई एम नॉट सो श्योर कि महिंद्रा का कितना अच्छा होगा वो सिस्टम इन माउंटेन्स. अगर उसका डिसीजन लाइक ऊपर नीचे हो जाता है सो इट विल बी टू रिस्की टू गो ऑन. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर इसमें कोई और कौन मुझे ऐसा लगा नहीं. और बात करें कि प्रोस की क्या अच्छी चीज़ें हैं जो मतलब गाड़ी में i20 और इसमें बैटरी लगा, भाई ये वाली चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त है इसमें. Okay. मैं जो मिस आउट कर रहा था अभी तक. सो सबसे पहली चीज़ पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि पहले जब सफारी होती थी या कोई भी आप लेडर फ्रेम चेसी पे चढ़ते हैं तो आपको एक लेडर चाहिए होता है. आप वो फुटस्टेप चाहिए होता है, वरना आपको चढ़ने में काफ़ी तकलीफ होती है. बिल्कुल. बट ये मोनोकोक चेसी होने की वजह से आप सीधा आगे आप आराम से इजिली एडल्ट या फिर बुजुर्ग लोग भी आराम से बैठ सकते हैं. मतलब उनको कोई इन एंड आउट बहुत बहुत इग्रेस एग्रेस बहुत ईजी है इसमें.
एंड उसके अलावा अगर आप बात करें इसकी पावर की, सो इन स्पोर्ट्स मोड इट फ्लाइज, लिटरली फ्लाइज। तो आप देखते हो यहाँ पे आपको मोड मिल जाते हैं, ये इको मोड है और ये स्पोर्ट्स मोड है। तो भाई का कहना है इसमें ये दबाओ और गोली जाओ। और इसके अलावा भी नीचे आपको कुछ मोड्स मिल जाते हैं, अक्षय एक बार आपको ढंग से बता देंगे। सो दिस इज सिटी ड्राइव मोड। इसके अलावा आपको मिल जाते हैं वेट मोड एक्टिवेटेड, वेट मोड एंड रफ रोड मोड एक्टिवेटेड, रफ रोड मोड। इवन आपको गाड़ी बोलकर बताती है। आई थिंक ये आपको आने वाले एक टाइम में शायद इरिटेट करे, बट एज ऑफ नाउ आई एम एंजॉयिंग ऑल द थिंग्स। राइट, क्योंकि नहीं है अभी। एग्जैक्टली exactly. उसके अलावा आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, यहां पर मिल जाता है और यहां पर मिल जाता है आपको। राइट, एंड हिल असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट आई थिंक बेसिक से ही शुरू हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू गेट लाइक आज की डेट में अगर हम 10 लाख से ऊपर जाते हैं, ऑल कार्स आर सेफ। हम ये नहीं कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर पर्पज आप कोई भी गाड़ी उठा सकते हो। बट जब आप इसका लाइक एक बार गेट बंद करते हो, सो मेरे को इसको यूज टू होने में गेट बंद करने के लिए शायद हफ्ता लाइक 3-4 दिन जो हुए उसमें बहुत परेशानी हुई। उसको 3-4 बार खोल खोल के बंद करना पड़ता था मुझे, मतलब इतने बॉडी हैवी है इसकी। तो ये तो एक अच्छी बात है इसकी। और इतनी हैवी होने के बाद भी गाड़ी अगर 15-16 की एवरेज निकाल देती है, जैसा कि अभी 13 निकाल रही है, अभी पहली सर्विस भी नहीं हुई, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब इनमें से ही जो एक अगर आपको चीज़ पसंद करनी हो कि भाई हैरियर में ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो एक चीज़ कौन सी है? सो इट इज़ अबाउट द फील। आई वॉन्ट से कि ये यूजुअली आई एम कनेक्टेड वेल विद टाटा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ना, सो इट इज़ द लेगेसी दैट आई एम कंटिन्यूइंग ऑन माई ओन। सो अगर आप बात करेंगे, सो ये एक डार्क एडिशन, जब आप इसको रोड पे प्रेजेंस देखोगे एंड ओवरऑल द पावर इट गिव्स यू, द लाइक फील इट गिव्स यू वाइल द ड्राइविंग, एंड आई नो इट इज़ स्टिफर एट द बिगिनिंग, लाइक 40-50 की स्पीड तक ये बहुत स्टिफ सस्पेंशन है। यू माइट फील जर्क्स इनसाइड डिपेंडिंग, रफ रोड मोड एक्टिवेट करने के बाद वो काफ़ी कम हो जाते हैं, बट अगर आप एक बार 80 की स्पीड को क्रॉस कर जाते हैं, सो इट इज़ वेल प्लांटेड। और कई लोगों ने मुझे ऐसे, मैंने रिव्यूज देखा कि स्टेयरिंग काफ़ी हैवी है, बट आई डोंट फील लाइक, इवन i20 का मुझे इससे कंपेरेबली लगभग बराबर लगता था। सो दोज हु आर सेइंग कि हैवी है, गो ट्राई आउट थार और फॉर्चूनर और समथिंग लाइक दैट, जिसका कि हाइड्रोलिक स्टेयरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक ना हो। तो अक्षय ने बोला कि प्रेजेंस बहुत अच्छी है, तो इसका एग्जाम्पल तो हमें आते ही मिल गया था। तो वाइल वी वर शूटिंग आए थे, तो एक अल्कज़ार आई थी, बिल्कुल शोरूम से ही आई थी। द कपल वॉज सेइंग कि यार हैरियर वॉज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल देन आवर अल्कज़ार, और वो अल्कज़ार जस्ट शोरूम से लेके ही आए थे। तो इट वॉज डिसअपॉइंटेड लिटरली। हाँ बिल्कुल, तो इट वॉज देयर ऑनेस्ट रिव्यू कि भाई अच्छी लग रही है आपकी हैरियर, बहुत प्यारी लग रही है, इवन हमारी अल्कज़ार भी अच्छी नहीं लग रही। तो ये बात तो अक्षय ने बिल्कुल सही कही। और एक बात अगर आपको बोलनी हो कि भाई ये कमी है, ये तो टाटा को इम्प्रूव करनी ही चाहिए इस गाड़ी में, वो क्या होगा? सो अगर ये छोटी मोटी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट है, जैसे कि मेरे को इफ़ यू कैन सी आई हैव टू कैरी अ केबल फॉर चार्जिंग एवरी टाइम, हाँ अगर कुछ ऐसा आता है टाटा इसको पीस को चेंज करके एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट इवन, तो आई एम हैप्पी टू लाइक गेट इट आउट कि वायरलेस चार्जिंग आ जाए या फिर वेंटिलेटेड सीट, आई डोंट थिंक सो इट इज मैंडेटरी, बट इफ आई गेट इट ऑन एक्स्ट्रा कॉस्ट आई विल पुट इन। सो आई गेस दे आर नाउ ऑफरिंग दैट इन काजीरंगा एडिशन, बट यस यू हैव टू गो फॉर द गोल्डन कलर ओनली। यस, और आपको आई गेस चाहिए था ब्लैक ब्लैक, बिकॉज इट ग्रोज ऑन मी, इट इज लाइक द कार यू ड्राइव स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू, व्हाट डू आई थिंक, राइट? सो इट स्पीक्स अबाउट माय पर्सनालिटी, सो ब्लैक एडिशन इज ऑलवेज व्हाट आई वांट टू गो फॉर। बिल्कुल, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में आ जाएगा, क्योंकि नेक्सॉन में भी उन्होंने ऐसा ही किया है। अभी दे हैव लॉन्च्ड 2 more editions, तो उसमें जो 2 edition आए हैं, एक आया है पी और एक आया है HS, तो उनमें उन्होंने यही किया है कि जो काजीरंगा में फीचर्स दिए थे वो कुछ कुछ उसमें दे दिए, जैसे वेंटिलेटेड सीट दे दी है, ऑटो डिमिंग IRVM दे दिया है, और ये अपना प्यूरीफायर दे दिया है। इवन व्हाट आई लाइक अबाउट टाटा इज जो इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम, आई डोंट नो इसको ये अपग्रेड करते रहते हैं। सो प्रीवियसली वायरलेस ऑटो, ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले में नहीं था। इवन IRA, जिससे कि आप अपनी जियो फेंसिंग वगैरह जो बेसिक चीजें होती हैं, वो नहीं थी इसमें, दे केम इनटू द प्ले, बट आई हैव टू गो फॉर अनदर अपग्रेड, उसके बाद वो सब एक्टिवेट हो जाएगा। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट IRA ऑल द थिंग्स। चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक बार ये सारी बातें हो ही गई अक्षय भाई से, अब मैं भी थोड़े मज़े ले लूँ गाड़ी के, एक बार मैं भी चला के देख लूँ अक्षय भाई की गाड़ी कि कैसी गाड़ी है,
और उस दौरान थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं और चलते हैं इसकी ड्राइव पे। मोड नॉर्मल कर लें। नॉर्मली अभी रफ रोड हो रहा है। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो सिटी मोड ले लिया है और इसको कर लेते हैं ड्राइव पे। ड्राइव पे आ गई है गाड़ी। हैंड ब्रेक। और हैंड ब्रेक बड़ा प्यारा है यार इसका। हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया तो ये चलते हैं। हैंडल स्टीयरिंग की बात करें तो जैसा कि अक्षय भाई ने बोला था बिल्कुल लाइट ही है, कुछ ऐसा हार्ड या मुझे फील नहीं हुआ बैटरी के साथ ही। और गाड़ी में बैठने के बाद आपको बिल्कुल एक कमांडिंग पोजीशन मिलती है। बोनट पूरा प्रॉपर दिख रहा है, रोड पे आपको लगेगा कि बस आप ही हैं। मस्कुलर एसयूवी है बिल्कुल, बैठती एकदम अच्छी फील आएगी कि हाँ किसी अच्छी जगह बैठे हैं, सेफ जगह बैठे हैं। बात करें अगर नॉइस लेवल की तो बाहर की नॉइस तो बिल्कुल आइसोलेटेड है, अंदर कुछ वाइब्रेशन नहीं आ रही है। जैसा कि डीजल इंजन है 2 लीटर का कायरोटेक, तो उसकी वाइब्रेशन कुछ अंदर नहीं आ रही है और बिल्कुल प्यारी चल रही है। कोई रोड की नॉइस भी अंदर नहीं आ रही है, तो बिल्कुल ऐसा कंफर्टेबल ककून में बैठे हो ऐसा सा लगता है। सीट की बात करें तो बिल्कुल आपको सपोर्टिव सीट मिलती है, बकेट बिल्कुल आप फिट हो जाएंगे उसके अंदर। और स्टीयरिंग अच्छा है। अब थोड़ी सी चला के देखते हैं इसको। ऑटोमेटिक में है गाड़ी, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक्सेलरेटर देना है और गाड़ी ऐसे भागेगी। जैसे कि अगर स्पोर्ट्स मोड में कर लें इसको थोड़ा सा, जैसे कि अक्षय भाई ने बताया था कि स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, अगर गोली बनानी है तो आपको ये ऐसे करना ही पड़ेगा और ज़बरदस्त भागेगी गाड़ी। ये तो ब्रेकर्स से गाड़ी एकदम प्यार से निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके के कर्व्स आ रहे हैं तो उसमें आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल मतलब नर्वस नहीं करेगी कर्व्स पे गाड़ी, बिल्कुल आराम से निकलेगी। एग्जैक्टली इसमें आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है चलाते हुए भी। ब्रेकिंग आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्पॉन्जी लग सकती है, बट उसके बाद वंस यू गेट यूज टू इट तो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग भी इसकी है। कोई भी अच्छा ड्राइवर अगर सीट पे बैठेगा तो एक बार 2-4 बार ब्रेक को दबा के देखेगा कि हाँ कैसा रिस्पॉन्स है। उसके बाद तो बिल्कुल इस कर्व पे देखते हैं गाड़ी कैसा रिस्पॉन्स देती है। ऑलमोस्ट 60 पे पहुँच गई है, 70-80 पे पहुँच गई है। थोड़ा सा ब्रेक दबाया और मतलब नर्वस नहीं हो रहा हूँ मैं बिल्कुल, इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई कुछ गाड़ी यहाँ वहाँ चली जाएगी, ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, कुछ भी हो रहा है ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आ रही है। गाड़ी बिल्कुल बढ़िया चल रही है, चिपक के चल रही है और हमेशा ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल में है। तो इस तरीके की फीलिंग है। जो थोड़ी सी आवाज़ पीछे सुन रहे हो वो इसकी नंबर प्लेट है जो कि अभी लगी नहीं है, तो उसकी थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो उसको आप इग्नोर करना। अगर गाड़ी की बात करें तो भाई गाड़ी बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल बढ़िया फीलिंग वाली गाड़ी है, एकदम कंफर्टेबल। आप आराम से यहाँ पे हाथ रखो, पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाती है तो ये एक अच्छी चीज़ है। गाड़ी मतलब प्यारी है बिल्कुल यार, मैं अच्छी लगी मुझे। अक्षय बहुत ही बेहतरीन चॉइस है गाड़ी की। एग्जैक्टली आई वॉन्ट से कि दिस इज़ द बेस्ट कार इन सेगमेंट, बट अगर आपने इसको खरीद लिया ना यू वॉन्ट रिग्रेट एनी डे कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया है, शायद आने वाले 5-7 साल तक बहुत ईजिली। सो आई ऑलवेज से वन थिंग, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, कभी हो भी नहीं सकती। यू हैव टू पिक वन कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, लाइफ स्टाइल एंड नीड्स। बिल्कुल राइट। तो कौन सी गाड़ी आपको सूट करती है वो हो सकता है मुझे सूट ना करे या किसी और को सूट ना करे। एग्जैक्टली तो कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं है, किसी में कुछ कमी है किसी में कुछ कमी है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी को चूज करना होता है हमेशा। एग्जैक्टली तो ये चीज है और गाड़ी मुझे अच्छी लगी। सो व्हेन यू ड्राइव इन दीज घाट्स ऐसा करके अगर आप चलाएंगे, कर्व्स वगैरह होंगे सो आपको बिल्कुल भी पता नहीं, ऐसा कोई बॉडी रोल भी नहीं है इसमें कि जैसे लेडर फ्रेम चेसी में बॉडी रोल होता है ना, इसमें बॉडी रोल है। बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है कर्व्स पे भी, ना ऐसे कि जो इसके अंदर वाले पैसेंजर्स हैं उनको कभी इधर की साइड में रोल मोल करें। सो यू कैन, एक चीज़ ये भी तो है ना कि सीट बिल्कुल ऐसी है कि आप बिल्कुल एकदम फिट होके बैठ जाओगे, कहीं हिलोगे भी नहीं। अब इको मोड डाला तो आपको डिफरेंस बिल्कुल एकदम समझ में आ जाता है। सेम थ्रोटल अगर आपने प्रेस कर रखा हो तो गाड़ी की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, बट इको में चलाने से आपको थोड़ी जो एवरेज है वो बेटर मिल जाएगी। एग्जैक्टली बट व्हेन यू स्विच फ्रॉम स्पोर्ट्स टू इको ना तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं कुछ गाड़ी बहुत ज़्यादा लोड मान रही है, क्योंकि वो थ्रोटल रिस्पॉन्स बहुत डाउन आ जाता है। दैट्स व्हाई ऑलवेज
switch to city and then go then to go eco. To eco. हाँ, otherwise you will just keep on pressing the pedal. उसको आप लगातार press ही press करते रहोगे. So इसमें बहुत ज़्यादा difference है इसके modes में जो response का है. तो एक बार इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कैसी है. स्पोर्ट्स मोड ऑन कर ही रखा है. स्पोर्ट्स लिखा हुआ आ गया है. एक बार फिर से दबा देता हूँ. सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड. स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड. ड्राइव में डाल के एक बार थोड़ी खींच लेते हैं. खींच सकते हैं अक्षय? हाँ बिल्कुल, यू कैन ट्राई ऑन. सीधा स्ट्रेच है. पूरा पेडल प्रेस कर दिया है. गियर चेंज अपने आप हो रहे हैं. आपको कुछ महसूस नहीं होगा, बस थोड़ा सा इफेक्ट आएगा. ये 100 टच कर भी गई है, तो आप देख सकते हो इतनी जल्दी ये 100 टच कर जाती है स्पोर्ट्स मोड में. और बिल्कुल कंट्रोल में भी आ गई है. आपने देखा होगा सामने आगे कर्व भी था, तो ये बेहतरीन बात थी कि कंट्रोल में आ भी गई गाड़ी. मतलब एक बार ब्रेक पैडल प्रेस किया और जो गियर शिफ्ट हो रहे थे वो कहीं भी उनमें लैग नहीं महसूस हुआ मेरे को. अक्षय आपका क्या मानना है कि मतलब कैसी है जो गियर शिफ्टिंग है इसमें ऑटोमेटिक में? सी दिस इज Hyundai सोर्स्ड ऑटोमेटिक, तो आपने अगर किसी ने Hyundai चलाया है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये कैसे वर्क करेगा. ऑल्दो वी कैन नॉट कंपेयर इट विद द ड्यूल क्लच गियर बॉक्स, क्योंकि वो पेट्रोल में ज्यादा कामयाब होते हैं. बाकी ये डीजल भी है और आपको गियर चेंज जो होंगे वो थोड़ा सा रबरी इफेक्ट आएगा, आपको महसूस होगा. वी कैन नॉट कंपेयर इट विद द ड्यूल क्लच, बट जहां पर आपको एक बेनिफिट देगी वो है मेंटेनेंस. ओके. क्योंकि सिंगल क्लच है, आपको इतना ज्यादा मेंटेनेंस जब आप चेंज कराएंगे उसकी क्लच प्लेट को या फिर कुछ भी होता है तो आपको इतना ज्यादा इसमें कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं पड़ेगी. क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑटोमेटिक के साथ वो बहुत कम रहा है. ना मेरे पास कोई गाड़ी रही है, ना मेरी फैमिली में रही है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कम है. इसलिए जो अक्षय बता रहे हैं इनको है एक्सपीरियंस, क्योंकि ही ऑन्स अ फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक एज वेल, तो इनको पता है. अब इसमें क्या हो रहा है ना कि अगर स्लो स्पीड पे चलाओगे तो गाड़ी थोड़ा सा स्पीड देगी, फिर थोड़ी एक आवाज़ चेंज हो जाएगी. या दैट इज कॉल्ड रबरी इफेक्ट. अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हैं ना तो वो थोड़ा सा रबरी इफेक्ट आपको मिलेगा, बट वो हर एक गाड़ी में मिलेगा आपको जिसमें कि सिंगल क्लच प्लेट ऑटोमेटिक्स होते हैं. वी कैन नॉट कंपेयर इट एट ऑल विद द ड्यूल क्लच गियर बॉक्स, बट इसमें जो है सबसे बेनिफिट आपको है कि एक तो रिलायबिलिटी मिल जाती है आपको. बहुत लंबे समय तक ये गियर बॉक्स चलता है. इवन इन आप फॉर्चुनर की बात करेंगे तो उसमें भी सिंगल आता है, उसमें भी ऐसा नहीं आता कि ड्यूअल क्लच, उसमें भी लाइक इससे ज़्यादा आपको महसूस होगा जब उसमें गियर चेंज होते हैं. तो मेरे को हाई स्पीड पे तो गाड़ी अच्छा लगा, पर लोअर स्पीड पे वो वाली बात जो आप रबरी इफेक्ट वाला बोल रहे हो चीज़ वो राइट गियर चेंज आपको पता लगेंगे. इवन इसकी राइड अगर आप देखेंगे 40 से नीचे तो आपको जिस भी ब्रेकर पे से जाएंगे या फिर कुछ भी गड्ढे में से जाएंगे आपको हल्का फुल्का वो चीज़ महसूस होगी. तो अक्षय ये तो हो गई बात इसकी. तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आप कितना खुश हो अपनी गाड़ी से, रेट करें 10 से 0 to 10, तो क्या रेटिंग देंगे? सो इसको मैं जो रेट करना चाहूँगा दैट इज समवेयर बिटवीन 8 and 9, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक्स. अगर वो होते हैं तो मेरी लाइफ और भी थोड़ी सी सॉर्टेड हो जाती है. अदरवाइज अगर आप इसको जैसे डेली बेसिस पे चलाएंगे ना, इट विल स्टार्ट टू ग्रो ऑन यू. एक तो इसका कूपे डिज़ाइन है और इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो ऐसी है कि आप कहीं पे भी जाएंगे, इवन इफ समवन सीज यू इन द रियर व्यू मिरर ना, तो अपने आप जगह देने लग जाते हैं. सो द इफेक्ट यू विल गेट इन फॉर्चुनर या फिर किसी भी बल्कि एसयूवी में वो आपको इसमें भी मिलेगा. एक अच्छी खासी रोड प्रेजेंस मिलेगी एंड इट इज द वाओ फैक्टर दैट अगर आप एसयूवी की बात करें तो इफ एवरीवन रिमेंबर एसयूवी 500 जब आई थी तो वो भी अपनी सनमून रूफ और बहुत अच्छे खासे एक फीचर्स के साथ आई थी, बट दैट स्टार्ट्स टू फेड अवे. जो बेसिक चीज़ें रहती है ना, बेसिक जो आपकी चीज़ें रहती है वो हमेशा आपको कैरी ऑन करके लेके चलती हैं. सो इफ़ यू कंपेयर सफारी स्टॉर्म, इफ़ यू कंपेयर सफारी स्टॉर्म एंड एक्सयूवी 700 या फिर एक्सयूवी 500, आई वुड पिक सफारी स्टॉर्म एनी डे. सो लाइकवाइज दिस कि अगर मुझे आप एक्सयूवी 700 और इसकी बात करेंगे, कीप असाइड दोज फीचर्स, दे आर रियली हेल्पफुल कि आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है. तो आप हाईवे पर जाते हैं तो आपको कोई ब्रेक नहीं दबाना, कुछ नहीं करना, इट इज आउट योर लाइफ. बट आई थिंक अगर मुझे आज भी अवेलेबिलिटी भी अगर उसकी कम होगी तो आई वुड गो फॉर हैरियर. रीजन बींग दिस इज वॉट मैचेज टू माई लाइफ स्टाइल. दिस इज वॉट आई लाइक आई वॉज क्रेविंग फॉर लास्ट 1 year. सो इसको मैंने लास्ट समर में चलाया था. उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि 170 BHP के बाद इसमें क्या रिव्यूज आते हैं, यूजर व्यू. आई वॉच लॉट ऑफ वीडियोज और उसके बाद फिर मैंने ये वाला डिसीजन मेकअप किया था एंड आई एम रियली प्राउड फॉर दिस डिसीजन दैट आई हैव मेड. Great. So you are happy? Yes, I am really, really happy about this.
तो बिल्कुल अच्छी बात है, अक्षय भाई को गाड़ी पसंद आई और हमें भी गाड़ी काफ़ी पसंद आई। और अगर आपको अक्षय भाई ने जो बताया वो पसंद आया और मेरी मेहनत पसंद आई इस वीडियो को बनाने में, तो इस वीडियो को तो लाइक करना ही है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि आप ऐसी ही वीडियो आगे भी देख पाओ बिना मिस करे। थैंक यू।